ग्रीस में दो अलग अलग फेटा चीज का स्वाद कभी एक सा नहीं होता। समंदर के पास के इलाके का है तो अलग होगा, और अगर उत्तर में त्रिकाला के पास के पहाड़ों का है तो अलग। मैं हूँ मारिया डियामांती। मैं स्पिरोस कैसुलास, और हम 25 साल से फार्म चला रहे हैं और एग्रोकतिमा डियामांटी ब्रांड का फेटा चीज बनाते हैं। तो गाला इने बस इट्स फेटास। फेटा चीज में बुनियादी सामग्री तो दूध ही है। अच्छे फेटा के लिए उम्दा दूध चाहिए। हमारी भेड़ें रोजाना पहाड़ों पर उगने वाली सबसे शानदार घास चरती हैं। वहाँ ओरिगेनो है, थाइम है, पुदीना, सेज और जंगली ऑलिव है। इन्हें खाकर भेड़ बकरियाँ पौष्टिक दूध देती हैं। बाड़ा भी हमारा बहुत अच्छा है, पशु खुश रहते हैं, उससे उनका दूध भी बढ़िया होता है, यानी हमें शानदार फेटा मिलता है। एक किलो फेटा के लिए 3 से 4.5 लीटर दूध लगता है। कोई चीज तभी फेटा कहलाएगा अगर वो 100% भेड़ के दूध का बना हो या उसमें 30% दूध बकरी का हो। फेटा में जितना ज्यादा दूध बकरी का होगा उतना ही स्वादिष्ट और ठोस वो बनेगा। अब पाश्चराइज हो रहा है। यहाँ 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को पॉस्चराइज किया जाता है। फिर दूध को 36 डिग्री तक ठंडा कर उसमें रेनिन मिलाते हैं। उसे गाढ़ा होने तक हिलाते रहते हैं। रेनिन सिर्फ दूध पीने वाली नन्ही बकरियों के पेट में मिलने वाला एक एंजाइम होता है। उन्होंने घास नहीं खाई होती, उस रेनिन से फेटा का स्वाद थोड़ा खट्टा सा हो जाता है। अब हम दूध के गाढ़ा होने का इंतजार कर रहे हैं 20 से 30 मिनट। उसे काट कर खांचों में भर दिया जाता है। अब हम बर्तन से दही जैसी इस चीज को छेद वाले खांचों में डालते हैं। नमी सूख जाती है और ठोस कड़ा माल बचा रह जाता है। अब बारी है नमक मिलाने की। हम लोग मोटा नमक इस्तेमाल करते हैं। फेटा में 2% वही है। इस प्रोसेस को ड्राई सॉल्टिंग कहते हैं। नमक से फेटा में स्वाद आता है और वो खराब नहीं होता। फेटा की सतह पर नमक छिड़का जाता है जिससे वो धीरे धीरे अंदर तक चला जाता है। नमक को दूध में कभी नहीं मिलाते। 1 घंटे बाद हम खांचों को उलट देते हैं। शाम को हम फिर से ये करते हैं और फिर अगली सुबह नमक छिड़कने का काम जारी रहता है। चीज निकालने से पहले 3 बार ये प्रक्रिया चलती है। फिर अगला चरण आता है। यहाँ आप देखिए फेटा कितना सुंदर और ठोस निकला है। हम उसे काट कर कनस्तरों में भर लेते हैं। फेटा को कंटेनरों में डालकर 12% नमक वाला गैर पाश्चराइज ब्राइन उसमें मिलाया जाता है। फिर उसे एजिंग रूम में रख दिया जाता है। फेटा को करीब 15 दिनों तक 18 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जाता है। इससे चीज की पीएच वैल्यू बदल जाती है। ब्राइन चीज में अंदर तक घुस जाता है जिसके कारण बहुत खट्टा स्वाद मिलता है। अब आता है आखिरी स्टेप, रेफ्रिजरेटर वाला। बिक्री के लिए निकालने से पहले फेटा चीज 3 महीने तक वहाँ रखा जाता है। कुछ फेटा 6 से 8 महीने तक रखा जाता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ फाइनल एजिंग का फेज पूरा होता है। फेटा चीज जितना लंबे समय तक स्टोर रहेगा उतना ही सुंदर और स्वादिष्ट बनेगा। पिकाडिको के ए पियो एवियोसो, θα έλεγα.